नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुई हूं धर्म से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हरिद्वार का वो घाट जहां पर भगवान राम ने खुद अपने पिता का पिंडदान किया था। दोस्तों, यहाँ तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है ऐसी मान्यता है, लेकिन कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार विश्व में एक तीर्थ स्थल के नाम से विख्यात है, इससे तो आप भली भांति परिचित ही हैं। हरिद्वार को कुंभ नगरी के नाम से भी बहुत जाना जाता है। साथ ही साथ प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के मध्य हुए समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला था, जिसके बाद अमृत के लिए असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था, और इस दौरान अमृत कलश को लेकर जाते वक्त अमृत की कुछ बूंदें धरती पर चार जगह हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में छलककर गिरी थी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अमृत की बूंदें गिराने के कारण यहां हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन बहुत बड़ी ही स्तर पर होता है, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि महाकुंभ में लाखों साधु संत और देश विदेश से लोग गंगा में जो है डुबकी लगाने आते हैं। तो वहीं हरिद्वार के प्राचीन गंगा घाटों में से कुशावर्त घाट है, जहां पर पिंडदान करने, दसवां क्रिया करने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। दोस्तों, हरिद्वार के प्राचीन गंगा घाटों में कुशवर्ता घाट का विशेष महत्व बताया गया है, जहां पर गंगा स्नान करने और अपने प्रियजनों पितरों के निमित्त कार्य करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। कुशावर्त घाट पर मुख्य रूप से रोजाना देश के अलग अलग प्रांतों से लोग यहां पिंडदान, तर्पण और अस्थियां प्रवाहित करने आते हैं। दोस्तों, कुशावर्त घाट की अपनी ही प्राचीन मान्यता है। इस घाट पर श्राद्ध, तर्पण और कर्मकांड करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस घाट का वर्णन भी धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय की तपोस्थली है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी बना हुआ है। कुशावर्त घाट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। यहाँ अस्थि विसर्जन या पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुशवर्ता घाट देवों और पितरों को प्रसन्न करने का एक स्थान है। इस स्थान का वर्णन विष्णु पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण के केदार खंड में किया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्थान पर प्राचीन काल में कुशा के बहुत से वृक्ष हुआ करते थे। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता और समस्त पूर्वजों के उद्धार हेतु यहीं पर पिंडदान और तर्पण किया था। द्वापर युग में पांडवों ने इसी स्थान पर पिंडदान किए थे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय भगवान ने भी इस स्थान पर कई हजार साल तक घोर तप किया था, इसलिए यह स्थान भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली के नाम से भी विख्यात है। मैत्री महाराज द्वारा इसी स्थान पर विदुर को भागवत कथा का उपदेश भी दिया था और कई ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तपस्या की। साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से लोग यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण, ये सभी चीजें करने के लिए यहां पर आते हैं। कुशावर्त घाट पितरों के उद्धार के लिए एक विशेष स्थान है, जहाँ पर लोग मुंडन संस्कार ये सब भी कराते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये खास वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।